ये तो पूल में गिरेगी तो पानी सारा बाहर आ जाएगा, हवा के साथ तो नहीं उड़ जाओगी। वो देखो इसकी स्किन कैसी है ना, ये कितनी पागल लगती है। इसके हाथ से पानी मत लेना, ये क्रिस्टन है। ये लव सुने हैं ना, कुछ रिलेटेड लगते हैं, लगते ही होंगे। हर लाइफ में किसी न किसी ने आपको इस तरह से टॉन्ट किया होगा, या टीस किया होगा, या बोलते हुए निकल गया होगा। ये ऐसा ही है। आज हम एक टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसको हम बुलिंग कहते हैं। बुलिंग मतलब दूसरों का मजाक उड़ाना। अंदर बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हमको पता भी नहीं होता हम दूसरे को बुली कर रहे होते हैं मजाक मजाक में, और बहुत सारे लोग इंटेंशनली भी कर रहे होते हैं। उनका इंटेंशन होता है दूसरों को नुकसान पहुँचाना। ये जो स्कूल्स के अंदर बच्चों के साथ जो आपस में दूसरे बच्चे होते हैं मजाक बनाते हैं ऑन द बेस ऑफ सोशल स्टेटस, कि तुम अमीर हो, तुम गरीब हो, या मेरे पास ये चीज़ है, मेरे पास ये बड़ी गाड़ी है, मतलब दूसरा बच्चा ना उसको देख के कॉम्प्लेक्स में आ जाता है, और फिर जो है वो ये चाहता है कि उसके पास ही वही चीज़ हो। कॉम्प्लेक्स का शिकार कर दिया अपने बच्चे को। अपीयरेंस भी किस तरीके से बॉडी शेम कर गया, कितनी मोटी है, स्किन का इशू है, या उसके यहाँ पैचेस हैं, या कोई भी ऐसा इशू जो कि उनकी बॉडी के ऊपर या उनके लिए मेडिकली प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा होता है, उसका मजाक उड़ाना। कलर शेम करके, कॉम्प्लेक्शन कितना डार्क है, ता काला हो तुम, कह सकता है। बिहेवियर भी किस तरह से करते हैं, इस तरीके से तुम किस तरह से बोलती हो, किस तरह से चलती हो, ऐसे चलते हैं, ये तुमने क्या वर्ड बोला, किसी के वर्ड्स को पकड़ के बोलना, उसको इनसिक्योर फील कराना उसी के बारे में। बहुत सारे लोग होते हैं वो स्टैमर करते हैं, हकला के बात करते हैं, उनके हकलाने का मजाक उड़ाना। रिलेशन और रेस के ऊपर, इसके हाथ से पानी मत लेना, ये क्रिश्चियन है, ये नापाक होते हैं। क्यों भाई, आप कौन है, आप बहुत अफजल हैं, आपको किसने हक दिया किसी का मजाक उड़ाया जाए। आप हंसी मजाक के चक्कर में आप दूसरे का मजाक उड़ाते हैं, उसके बाद उसकी मेंटल हेल्थ पे क्या असर पड़ता है, इस बात का आपको अंदाज़ा है कि आप कितना बड़ा डैमेज क्रिएट कर लेते हो उसकी वजह से। वो बच्चा अगर स्कूल का बच्चा है, या कॉलेज का बच्चा है, यूनिवर्सिटी का भी बच्चा है, वो स्ट्रेस में आएगा, उसका कॉन्फिडेंस लूज़ होगा, वो अपने आप को इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार बना देगा, दूसरे से इन्फीरियर समझेगा खुद को। अगर उसका कॉम्प्लेक्शन का इशू है तो अलग अलग चीज़ें मुँह पर लगाएगा ताकि वो उस चीज़ में सेट हो सके। उसको आपने नीचे कर दिया, कमतर फील करवा दिया आपने, आपकी वजह से उसने अगर अपनी जान ले ली या अपना नान कर लिया तो वो मेंटली डिप्रेशन में चला गया, आपने उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी अपने छोटे से मजाक से। ज़िम्मेदार है वो खुद या आप।